अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शाहिद अफरीदी एंड आई लिए दुआ करने कि अल्लाह ताला इनको सिरातल मुस्तकीम पे चलाए। आमीन आमीन। वेरी गुड। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तमाम दोस्त, उम्मीद करते हैं ठीक ठाक। शाहिद अफरीदी नवासे के अकीके पर रो पड़े, मदाओं के लिए इमोशनल पैगाम जारी कर दिया। क्या कहा आपने नवासे के पैदाइश पर? आप सभी जानते हैं अल्लाह ताला ने सालों बाद इस घर में कोई खुशखबरी दी है, वो भी बेटे से रिलेटेड। अल्लाह ताला ने शाहिद अफरीदी को 5 बेटियाँ दी हैं, 5 बेटियों को बेटों से कम नहीं जानते, लेकिन फैमिली और ख़ानदान का प्रेशर होने के बावजूद भी सब चीज़ों को फेस किया। जबकि अब बेटियों की शादियाँ कर चुके हैं बड़ी दोनों बेटियों की, तो अल्लाह ताला ने अंशा शाहीन को बेटा अता किया। बेटे को नवासे को गोद में उठाए हुए सब लोग शाहिद अफरीदी को जब देखा तो यही दुआ देते हुए नज़र आए कि अल्लाह ताला इस बच्चे की किस्मत बेइंतहा अच्छी करे। शाहिद अफरीदी बेहद खुश है अपने बेटे पर, यानी अपने नवासे को बेटे से कम नहीं समझते अपने नवासे को, और जिसे बेटा बनाए शाहीन अफरीदी को बेशुमार गिफ्ट दिए। अपने नवासे को सोने में तोल दिया और अंशा को नया घर भी लेकर दिया। खवातीन इस रात शाहिद अफरीदी का कहना था इस मौके पर हकीके पर कि वो बेहद खुश हैं, उनकी खुशी का अंदाज़ा कोई लगा ही नहीं सकता। मैं नाना बनकर किस कदर खुश हूँ, और वो भी अपने नवासे का जो बहुत ही खूबसूरत है, और ऐसे लगता है जैसे मेरी ही एक कॉपी मेरे सामने पड़ी हो। खवातीन उस रात उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने नवासे को दिल करता है इस दुनिया की वो हर चीज़ दूँ। यहाँ तक कि नर्सरी में भी हमने दिखाया कि अंशा जो है घर आई हुई थी अपने मे के, तो शाहिद अफरीदी ने एक अलग से कमरा अपने नवासे के लिए बनाया जिसमें बेश कीमती उनके फर्नीचर चॉइस चीज़ें वगैरह भी रखी गई, जिसकी वीडियो हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। शाहिद अफरीदी लाखों रुपए लगा रहे हैं अपने नवासे के आने पर, यहाँ तक कि हकीके पर आने वाले लोगों को बेशकीमती तोहफे भी दिए गए उनकी वापसी पर। उनके नाम की मिठाइयाँ भी बांटी जा रही हैं। उनके नवासे का नाम अली यार अफरीदी है। खवातीन उस रात आपको इनका नवासा कैसा लगा शाहिद अफरीदी, और इनके नवासे को देखकर कैसा लगता है, क्या वाकई में इन दोनों में रिजेंबलेंस है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं अंशा शाहीन की शादी के बाद हर कोई इंतज़ार कर रहा था इस खबर का, बिलाखिर वो खबर आ ही गई और सोशल मीडिया पर भी ये तस्वीर शेयर कर दी गई। पहले तो कभी कभार ही कोई तस्वीर आती थी अंशा की और शाहीन की, लेकिन आते ही इन्होंने अपनी बेटी के साथ अपनी तस्वीर शेयर कर मदाम को एक बड़ा सरप्राइज़ दे दिया। अल्लाह ताला से ये दुआ कर रहा था इस फैमिली को हमेशा खुश आबाद रखे। आमीन। मुझे दीजिएगा इजाज़त अल्लाह के बाद।